नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो आपको ये पता ही होगा कि इस समय व्हाट्सएप पर आपके लिए स्टिकर फीचर देखने को मिल रहा है, जो बहुत तेजी के साथ काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। ये फीचर सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया गया है और इसके जरिए लोग कस्टम स्टिकर्स भी बना रहे हैं और एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ऐप स्टोर से व्हाट्सएप स्टिकर्स को डिलीट किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एप्पल ऐप स्टोर के व्हाट्सएप स्टिकर ऐप डिलीट करने के पीछे कंपनी की दलील ये है कि ये ऐप कंपनी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं और ये इनके खिलाफ है। ये रिपोर्ट व्हाट्सएप बीटा इन्फो ब्लॉग की तरफ से है, जो व्हाट्सएप की सटीक खबरों के लिए जानी जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप स्टिकर्स ऐप हटाने के पीछे एप्पल ने दो मुख्य कारण बताए हैं। इस ऐप की पहली शर्त ये है कि स्मार्टफोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ किसी एक ऐप को दूसरे ऐप की जरूरत नहीं होती। दूसरी वजह ये है कि कई सारे स्टिकर्स ऐप एक जैसे दिखने वाले हैं और इनका बिहेवियर भी एक जैसा है और ये भी एप्पल ऐप स्टोर की गाइडलाइन के खिलाफ है। व्हाट्सएप स्टिकर्स लॉन्च होने के बाद डेवलपर्स ने स्टिकर ऐप बनाकर स्टोर पर अपलोड करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप ने क्योंकि थर्ड पार्टी डेवलपर के भी स्टिकर्स का सपोर्ट दिया, इसलिए एंड्रॉइड और iOS में कई स्टिकर ऐप मिलने लगे। फिलहाल एप्पल ऐप स्टोर ने स्टिकर हटाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आमतौर पर एप्पल ऐप स्टोर कड़े गाइडलाइन को फॉलो करता है और ये माना जाता है कि ये गूगल प्ले या दूसरे ऐप्स प्लेटफॉर्म से सिक्योर है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर